तो सुबह के 7 बज रहे हैं, ब्रून पाव मलाई और एक फुल नागौरी चाय, ये अपना नाश्ता हो रहा है यहाँ पर नागौरी में। तो इसी के साथ दिन की शुरुआत होती है। यहाँ पे गर्मा गर्म समोसे तैयार हो रहे हैं सुबह सुबह। ये आप देख सकते हो पूरी स्ट्रीट खाली पड़ी है यहाँ पर, क्योंकि इस वक्त सुबह का 7:15 बज रहा है। और इस तरह से शुरुआत होती है बॉम्बे में, इस तरह से सुबह होती है हमारे मुंबई की। ब्रेड वाला जाते हुए सुबह सुबह, भाजी वाला अपनी भाजियाँ सेट कर रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग और बॉम्बे में वेदर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इस बार ठंडी बहुत अच्छी हो रही है बॉम्बे में। तो ये मैंने अपनी एक्टिवा पार्क कर दी इधर, हेलमेट भी रख देता हूँ। और ये जो बीच है इसे रॉक्स बीच के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हो वर्सोवा में पिकनिक कॉटेज करके एक बस स्टॉप है, पिकनिक कॉटेज का नाम है बस स्टॉप का। बट ये जो बीच है पर्टिकुलर, ये जो एंट्रेंस है, बॉम्बे में काफ़ी सारे बीचेस है और हर एक बीच का अलग अलग नाम है, जबकि एक एक किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही सारे एंट्रेंस दिए हुए हैं। बट हर एक एंट्रेंस का एक अलग नाम होता है, तो इस पर्टिकुलर एंट्रेंस का नाम है रॉक्स, क्योंकि यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पर काफ़ी सारे रॉक्स हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर ढेर सारे रॉक्स होते हैं, और अभी तो सैंड काफ़ी ऊपर तक है और इसीलिए कम रॉक्स दिखाई दे रहे हैं। बट जब ये सैंड नीचे उतरता है तो यहाँ पर रॉक्स काफ़ी नीचे नीचे तक और काफ़ी ज़्यादा रॉक्स दिखाई देते। और आप देख सकते हो सुबह सुबह यहाँ पर क्लीनिंग भी चल रही है, बीच क्लीनअप ड्राइव जो चलता है यहाँ पर, जो हमारे एक अफरोज शाह करके एक सर है यहाँ पर, तो उनका ये क्लीनअप ड्राइव चलता है, जिसके चलते यहाँ पर बीच क्लीनिंग वगैरह होता है, साफ़ सफाई होती है, डेली बेसिस पर होती है सुबह शाम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज है 5 दिसंबर, थर्सडे का दिन है, 2023 की शुरुआत हो चुकी है। और आज से मैंने डिसाइड किया है, बिकॉज़ ये जो चैनल मैंने बनाया है, ये जो व्लॉगिंग चैनल है, व्लॉगिंग चैनल का मकसद ही ये था कि मैं इस पर अपने डेली के जो व्लॉग होते हैं, जिससे आप डायरी लिखते हो, तो डायरी में आप डेली लिखते हो कि आज मैंने क्या किया। बट आज के ज़माने में डायरी नहीं वर्क करती, आज के ज़माने में वीडियो लॉग्स, यानी कि आप एक लॉग बनाते हो अपनी लाइफ का, जो आप अपलोड करते हो ना डेली बेसिस, चाहे वो जैसा भी हो, एक सादा सीधा वीडियो ही क्यों ना हो। बिकॉज़ ये किसी और को दिखाने के लिए नहीं, ये सिर्फ मेरे खुद के लिए है, मेरे अपने लिए है, कि मैं अगर कल को बैठकर अपनी लाइफ को स्टडी करूं कि वेयर ऑल आई हैव गॉन, क्या किया मैंने डेली बेसिस पे। और जहाँ तक कि मेरी एक बुरी आदत है, भूलने की आदत है, मैं काफ़ी चीज़ें भूल जाता हूँ, तो ये चीज़ मुझे हेल्प करेगी। वीडियो लॉग बनाता हूँ मैं, तो मुझे ये चीज़ हेल्प करेगी कि यार कौन से दिन मैंने क्या किया था। और इस वक्त बॉम्बे में बहुत ही खूबसूरत वेदर है, बहुत ही प्यारा वेदर, आप देख सकते हो मैंने ज़िपर पहना हुआ है। यूजुअली ये जो गर्म कपड़े हैं बॉम्बे में काम नहीं आते, पर फाइनली बॉम्बे वालों को मज़ा आ रहा है गर्म कपड़े पहनने में, बिकॉज ज़्यादातर यही होता है कि बॉम्बे वाले गर्म कपड़ों की शॉपिंग कर करके रखते हैं, भर भर के रखते हैं वार्डरोब, लेकिन वो कपड़े कभी यूज़ नहीं हो पाते। तो अब फाइनली बॉम्बे में गर्म कपड़े यूज़ हो रहे हैं, पर पता नहीं कितने दिन यूज़ होंगे, क्योंकि बम्बई का वेदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। अभी ठंडी हो रही है, थोड़ी देर बाद हो सकता है एकदम गर्मी शुरू हो जाए, और इस तरह से वेदर चेंज होता रहता है। अब जो है मैंने ये डिसाइड किया है कि अब डेली बेसिस पे मैं कोशिश करूँगा कि डेली बेसिस पे मैं व्लॉग्स बनाऊँ, चाहे वो एक वन ऑन वन इंटरेक्शन ही क्यों ना हो अपने खुद के साथ में, जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। और ज़रूरी नहीं है कि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए, या ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है मेरा, दिस इज़ जस्ट फॉर माई ओन थिंग, फॉर माई ओन गुड, फॉर माई ओन एक्सपीरियंसिस, फॉर माई ओन मेमरीज, सो आई एम गोइंग टू क्रिएट माई ओन मेमरीज। अभी मैं यहाँ पर जो व्यू देख रहा हूँ ना गाइज, इतना प्यारा और इतना खूबसूरत व्यू है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया, मैं रुक गया यहाँ पर। लेट्स चेक इट आउट।
ये वाली बिल्डिंग को आपने काफ़ी सारी शूटिंग वगैरह में भी देखा होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल सलमान खान और गोविंदा की जो मूवी आई थी पार्टनर्स, उसमें ये बिल्डिंग के अंदर एक शॉट होता है। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? तो ये बिल्डिंग में एक शॉट है जिसमें लोग मतलब बच्चे जो होते हैं ना बच्चे, तो उससे सलमान खान मिलने के लिए जाता है तो बच्चे उसको पानी में गिरा डालते हैं, उसकी धुलाई कर देते हैं और शर्ट निकालता है सलमान खान, तो वो इस बिल्डिंग में शूट हुआ है। और ये बंगलों में भी काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है, यहाँ पर जो बंगलो है, जैसे बहुत सारी मूवी शूट हुई है, सीरियल्स भी शूट होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो व्यू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अभी, लेट्स फोकस ऑन दैट। तो ये आप देख सकते हो सामने, ये हम लोग अभी फ़िलहाल खड़े वर्सोवा मड आइलैंड, सॉरी वर्सोवा रॉक्स बीच पर, बट मेरे सामने वहाँ पर जो है मड है और ये पूरा समंदर है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है और फॉगी फॉगी है, और ये पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, ये एक्चुअली ठंडी का फॉग है। और फॉग की वजह से ना मैं आपको बता रहा हूँ, ये सामने का जो मड आइलैंड है ये देखो बहुत धुंधला सा दिखाई दे रहा है। मेरी लाइफ में कई बार ऐसा हुआ है कि व्हेन आई हैव गॉट नथिंग टू डू, व्हेन आई वाज बिजी, व्हेन आई वाज स्ट्रेस्ड आउट, जब भी मुझे ऐसा कुछ लगता था तो बीच ही मेरा साथी रहा करता था, हमेशा मैं बीच पे आके बैठ जाया करता था और अकेले अकेले आके बैठता था, थोड़ी देर बैठो शांत, लहरों की आवाज़ जो होती है ना गाइस, इट्स अ वेरी गुड रेमेडी, इट्स अ वेरी गुड थेरेपी यू कैन से, जिससे आप स्ट्रेस, जो अभी जो आवाज़ आ रही है पीछे से लहरों की, तो इट्स अ वेरी गुड काइंड ऑफ थेरेपी, जिससे आपका काफ़ी सारा स्ट्रेस रिलीफ होता है। मेरे पीछे आप देख सकते हो समंदर की लहरें पलट रही है, और इसकी जो आवाज़ है ना एक तरह से एक थेरेपी का काम करती है आपके लिए। तो अगर आप कभी भी स्ट्रेस्ड आउट होते हो या डिप्रेस होते हो या कोई भी तरह का स्ट्रेस है आपको, एंग्जाइटी है, आप समंदर किनारे आके बैठना और कभी भी मतलब एक शांत अकेले बैठना है, अकेले किसी के साथ नहीं आना है। तो ऐसा मैंने बहुत बार किया है लाइफ में, मैं यही बीच पे ज़्यादातर इसी बीच पे आके बैठता था मैं, क्योंकि ये मेरे घर से सबसे क्लोजेस्ट बीच है, तो यहाँ आके मैं बैठ जाया करता था कई बार, सुबह सुबह शाम को, वेन एवर आई यूज़ टू फील अलोन, वेन एवर आई यूज़ टू फील डिप्रेस्ड, या कुछ भी स्ट्रेस होता था, घर का कोई मसला होता था या पर्सनल लाइफ का कोई किसी गर्लफ्रेंड ने रिजेक्ट कर दिया है फॉर एग्जाम्पल, ऐसा बहुत कम हुआ है, बट ठीक है, जो भी होता था, बीच हैज़ ऑलवेज बीन लाइक यू नो सेफ्टी फॉर मी, मतलब एक तरह का एक मतलब साथी रहा है मेरा हमेशा से, और अभी भी लाइफ में बीच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो वो सब हम लोग इस चैनल पर जानेंगे कैसे क्या क्यों, और ये सारी चीज़ें आप लोग भी देख सकते हो लाइफ की मेरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे और भी बहुत कुछ है शेयर करने को दिन में। आप देख सकते हो बीच में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बन रही है, प्रोग्रेसिव काम हो रहा है, यहाँ पर जेसीबी रखी हुई है, तो बहुत कुछ चीज़ें बन रही है। आई डोंट नो यहाँ पर क्या बनने वाला है, बट बहुत सारा काम चालू है, बीच में बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। ये पहले ये जो आप देख रहे हो ना, ये ऊपर का जो लेन देख रहे हो आप, जॉगिंग लेन बनाया गया है ऊपर तक, तो ये पूरा वर्सोवा से यहाँ तक मड तक कनेक्ट हो रहा है, बहुत लंबा सा जॉगिंग ट्रैक जैसा है। तो ये सब पहले नहीं था यहाँ पर, अभी ये सब बनाया है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर सारे काम चालू है, काफ़ी प्रोग्रेस हो गया है बीच पे, और काफ़ी नीट एंड क्लीन भी लग रहा है, थैंक्स टू अफरोज शाह जो ये क्लीन अप ड्राइव करते हैं यहाँ पर। 1:10 होने वाला है और मेरा ऑनलाइन क्लास अभी, मैंने एक सेशन ख़त्म किया है ऑनलाइन, एंड आई हैव अ ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर, और मैं अभी दूसरा सेशन स्टार्ट करूँगा। उसके पहले मैंने सोचा एक ब्लैक कॉफ़ी बनाई जाए, तो केटल में पानी ले लिया मैंने, और अभी एक ब्लैक कॉफ़ी बना लेता हूँ इससे पहले कि दूसरा सेशन चालू हो जाए। तो इसी तरह से आफ्टरनून में 2 ऑनलाइन सेशन है आज, आज थोड़ा कम लोड है क्योंकि मॉर्निंग में सिर्फ एक ही सेशन लिया मैंने, उसके बाद मैं घर पर आके तो अपने को लगती है स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, थोड़ा सा ज़्यादा कॉफ़ी चाहिए, और ये वाली कॉफ़ी बहुत अच्छा एसेंस देती है, इसलिए ये वाली कॉफ़ी।
ओहो माशाल्लाह, कितना प्यारा बर्ड है। उसको कुछ दो ना, रोटी वोटी कुछ कुछ दो ना खाने के लिए, फिर वो रोज आएगी। माशाल्लाह ये कोयल नहीं है भाई, ये कुछ अलग बर्ड है ये। नहीं कितना खूबसूरत बर्ड है ये, देखो ये देखो हमारी खिड़की के सामने आके बैठा है ये। और कितना प्यारा साउंड है इसका, इतनी मीठी आवाज़ है कि इसकी आवाज़ सुन के हम लोग अट्रैक्ट हो गए इसकी तरफ। और यहाँ देखो मर्लिन को देखो, वाह इनको देखो, इनको देखो, शिकारी शिकारी देखो कैसे शिकार करने के लिए खड़ी है यहाँ पर। ओए मर्लिन गेट आउट फ्रॉम देयर, सॉरी सॉरी, बर्ड को गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, बर्ड प्लीज यू डोंट गो। और ये मैं काम पे से आया घर पे, और मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पर बारबेक्यू चालू है, और सिगड़ी विगड़ी लगा के मस्त एकदम यहाँ पर चिकन ड्रम स्टिक बनाए जा रहे हैं घर पे। माशाल्लाह दिल खुश हो गया ये देखकर। तो मेरी बीवी ने पूरी तैयारियाँ की है अकेले खुद से, थैंक यू सो मच टू हर इतना मेरा ख्याल रखने के लिए और मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। आइडिया देखो सॉलिड आइडिया यार, हेयर ब्लोअर से वाह सिगड़ी को भड़का के। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। मेरा आज का जो भी वीडियो लॉग करना था, जो भी शेयर करना था, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर कर दिया है। खुद के लिए किया है, किसी और के लिए नहीं। आपको अगर अच्छा लगा तो देख लीजिए, लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो चैनल है ब्लॉगिंग चैनल, इसके ऊपर मेरे जो सब्सक्राइबर्स काउंट है, आई एम वेरी हैप्पी विद डैट, बिकॉज यही सेम चीज़ इतने ही सब्सक्राइबर काउंट मेरे फिटनेस चैनल पे आने के लिए मुझे 2 साल लग गए थे। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं यूट्यूब में अभी पिछले कुछ महीनों से वीडियोस भी अपलोड नहीं किए हैं, मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं डेली बेसिस पर, चाहे एक दो ही क्यों ना हो बट बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए। और अभी मैं इंशाल्लाह आज से अपनी जर्नी शुरू हो गई है डेली व्लॉग की, जो भी होगा छोटा मोटा जैसे भी होगा, एक व्लॉग डेली आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बने रहिए मेरे साथ। और मेरे पास और भी काफ़ी सारे ऐसी जर्नीज है जो पिछले कुछ महीने में, पिछले कुछ दिनों में मैंने रिकॉर्ड करके रखी है बट अपलोड नहीं किए, तो जल्दी आपको वो सारी वीडियोज़ भी देखने को मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पर। और अगले वीडियो में आपको मैं रीज़न बताऊँगा कि क्यों मैं अपना वीडियोस इतने दिन से मैं नहीं डाल रहा था, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।